वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं सोकर उठ गई हूँ। क्या हो बेटा? गोबिला गोभी बना दू? गोबला। गोबला क्या होता है? अच्छी गोभी बना दू? गोबला। गोबला क्या होता है बेटा? मम्मा को बताओ, सही से बताओ। गोबला पता? गोभी गोबला। जाओ सही से पूछ के आओ पापा से क्या बोल रहे हैं। तो गाइस पता नहीं क्या बोल रहा था मेरी, इसकी कभी कभी कुछ जो वर्ड बोलता है मेरी भी समझ में नहीं आता, मेरी भी ऊपर से चला जाता है। सो गाइस मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह के बजे हैं 6 और टैडी भी उठकर बैठ गया है और सारे हम उठ गए हैं क्योंकि कीवी का रोल, कीवी इतनी तेज तेज रोने लगा था कि हम सारे उठ गए और टैडी की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। पीएच। अरे भाई मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता, मुझे माफ करो। तो भाई मुझे नहीं पता चलता है क्या बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा, क्या क्या इसके पापा बोल के भेज रहे हैं इसे। और सही से पूछ के आओ, जाओ पापा से क्या बोल रहे, जाओ मम्मी को सही से बताना। पराठा दे दू? ठीक है मैं आपके लिए बना रही हूँ। ओके ओके ठीक है। सो गाइज मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज और जो जो मेरे मेरे पास सब्जी अवेलेबल है मैं उनसे ही बनाऊंगी क्योंकि बाहर अभी दुकानें भी नहीं खुली होंगी यहाँ पे, और इस वजह से जो जो मेरे पास रखा हुआ है मैं थोड़ा थोड़ा वही ऐड करूंगी। और चलिए आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ आज मैं मिक्स वेज की सब्जी की रेसिपी जो भी है। चलो मैं वो आप सबके साथ भी शेयर करूंगी, आज मिक्स वेज बनाऊंगी उसकी रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर कर दूंगी और कैसे कैसे बनाऊंगी, किस तरह बनाऊंगी सब आपको दिखाऊंगी। सो गाइस जो चैनल पे मेरे नए वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बेल आइकन को प्रेस किया करो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस देर न करके अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे नाश्ते में बनानी है ये मिक्स वेज और साथ में पराठे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, दो आलू लिए हैं, थोड़ी सी मैं गाजर डालूंगी दो तीन, और थोड़ा सा मटर डालूंगी, आधी गोभी डालूंगी, आधी पत्ता गोभी डालूंगी। जो सब्जी मेरे पास है अवेलेबल उनसे ही बनाऊंगी मिक्स वेज। और चलिए अब मैंने फटाफट काट लेती हूँ और आगे की रेसिपी आप सबके साथ जब शेयर करती हूँ, पहले मैं वेजिटेबल काट लेती हूँ। चलिए सारी वेजिटेबल कट कर तैयार हो गई है, सारी को मैंने छील लिया है और अच्छे से काट लिया है। आप देख सकते हो मटर वगैरह गोभी वगैरह सब मैंने अच्छे से काट ली है, अब इसे धोते हैं, धोकर चने में ही रख देंगे। चलिए सो गाइस सबसे पहले मैं सारी वेजिटेबल को फ्राई कर रही हूँ, मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और उसके बाद मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ, और अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएगी तब मैं इसे कढ़ाई से निकालूंगी। और इधर मैंने तड़के का सामान तैयार कर लिया है, हरी मिर्च काटी है बड़ी बड़ी,
और इधर प्याज काटी है और ये टमाटर काटा है और साथ में धोकर रखा है मैंने धनिया और अदरक लहसुन का मैं बनाने वाली हूँ पेस्ट पेस्ट डालूंगी बनाकर। गाइस इधर मैंने वेजिटेबल फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ली है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, आप चाहो तो कढ़ाई चेंज भी कर सकते हो। गाइस ये देखिए मैंने अच्छे से ग्रेवी बना ली है, अभी तो मैंने भुनने के लिए रख दिया है थोड़ी देर, अच्छे से जब ये भुन जाएगी उसके बाद मैं सारी वेजिटेबल ऐड करूंगी। गाइस ये देखिए वेजिटेबल बनकर तैयार हो गई है और कितनी अच्छी बनी है, खिली खिली सी। मैंने घोटी नहीं है क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती, तो खड़ी खड़ी सी रखी है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, आप देख सकते हो। सो गाइस फाइनली मिक्स वेज बनकर तैयार हो गई है। सो गाइस फाइनली सब्जी बनकर तैयार हो गई है, मिक्स वेज बन गई है और मैंने साथ के साथ झाड़ू पोछा भी कर दिया है और इधर मैंने आटा लगा कर रख दिया है, इधर मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, फटाफट सारा काम हो गया है। अब बस मैं सावा ले आती हूँ, सावा लेके मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद मैं पराठे या पूड़ी बनाऊँगी, जो भी मतलब डैडी बोलेगा वही बनाऊँगी, जो भी उसको खाने का मन होगा। और मैं तो सिंपल चपाती खाऊँगी अपनी बनाकर, और जो डैडी के पापा को खाना होगा वो बता देंगे, पूड़ी खानी है पराठे या चपाती वो उनके लिए बना दूंगी, टैडी जो खाएगा उसके लिए वो बनाऊंगी। अब मैं फटाफट चावल ले आती हूँ और मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। तो गाइस इधर मैं युवान को खिला रही हूँ खिचड़ी, आज मैंने युवान के लिए खिचड़ी बनाई है, कल मैंने दलिया बनाया था। गाइस मैं खाना ले आई हूँ, दोनों की प्लेट लगा दी है और इधर सैलेड है, अब खाते हैं। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है देखने में, तो कैसी बनी है सब्जी? अच्छी बनी है। और इधर चल रहा है हमारा साथ के साथ मैच, साथ में डबल मजा आने वाला है, इसके साथ में मैच भी चल रहा है और हम मैच देखते देखते खाना खाएंगे। उधर टैडी बैठा हुआ है मैच देख रहा है, चलो खाना खाओ यहाँ बैठो आके। सो गाइस हम देख रहे हैं मैच, विराट कोहली, देखते हैं आज कौन जीतता है, न्यूजीलैंड या इंडिया, कौन जीतने वाला आज? इंडिया जीतेगी आज, इंडिया जीतेगी। भाई सबने खाना पीना खा लिया था अच्छे से और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और उसके बाद मैं बाहर चली गई अपनी थ्रेडिंग कराने और मैं फ़ोन को यहीं रख कर चली गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉकिंग नहीं करी है। सो मैंने अब सोचा कि मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। सो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा लव यू ऑल, बाय कर दो टैडू बाय बाय। और उधर कीवी की चल रही है मस्ती, बाय बाय फिर मिलेंगे।